क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? लगता है ना एक फिजूल सा सवाल। दिल्ली लगभग हर आदमी गया है, चाहे किसी भी काम से, लेकिन इस बार मैं गई हूँ दिल्ली आपके लिए। इस भारत के दिल तक पहुँचने के लिए मेरा सबसे प्यारा साधन है ट्रेन। तो दिल्ली की शुरुआत करते हैं आज इस ट्रेन की मेरी छोटी सी कहानी से। अगर आपको हरिद्वार से दिल्ली जाना हो और ये आपको दो दिन पहले पता हो, तो हरिद्वार से दिल्ली जाने का सबसे बेस्ट कन्वेंस है 12056 देहरादून नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस। इसके तीन कारण हैं। पहला, आप इसमें ₹150 में दिल्ली पहुंच जाते हैं। दूसरा, इसका तत्काल टिकट भी आसानी से मिल जाता है, जो लगभग ₹170 कॉस्ट करता है। और तीसरा, ये सुबह 6:30 चलकर आपको 11:30 तक दिल्ली पहुँचा देती है। तो शुरू हुआ मेरा दिल्ली का सफर। मैं थी कुर्सियान D2 कोच में। ये AC कोच तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि 6:30 से 11:30 तक AC की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे भी ये नवंबर का महीना है, ट्रेन अभी चलना शुरू ही हुई है कि आपको चाय पानी की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इन सभी आवाजों को इग्नोर करके लगभग सभी सो जाते हैं। आखिर नींद आए भी तो क्यों ना, सब ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह जल्दी जो उठे हुए हैं। और उठने के बाद अब चाय तो बनती ही है। और चाय के साथ नाश्ता भी मिल जाए तो बात ही क्या है। घर से मैं ब्रेड जैम लेकर आई थी, जिसे चाय के साथ मैंने बड़े ही मजे से खाया। ये ट्रेन सुविधाओं से लैस है। इसमें आपको अपनी बेसिक जरूरतों का सारा सामान मिलेगा, जैसे कि ये चार्जिंग पॉइंट। ये जनाब पूरी जर्नी में अपना मोबाइल चार्ज पे लगाकर वीडियो देखते रहे। इसमें एक और चीज मैंने गौर करी कि सीट नंबर को ब्रेन लिपि में भी लिखा हुआ है, जिसे देख न सकने वाला व्यक्ति भी छू कर अपनी सीट को पहचान सकता है ना ये अच्छी बात। देख कर अच्छा लगता है कि देश एडवांस हो रहा है। अब तो TTP ट्रेवलर चार्ट लेकर नहीं घूमते, उनके पास होते हैं टैबलेट्स और सारा काम डिजिटल होता है। इस ट्रेन में चलते चलते एक बात दिमाग में आई कि क्यों ना इस ट्रेन का टेस्ट लिया जाए कि ये ट्रेन टाइम से चल भी रही है या नहीं। तो क्या था, निकाला मोबाइल और खोला लाइव ट्रेन स्टेटस। अगला स्टेशन था मेरठ सिटी। मोबाइल पर तो ऑन टाइम दिख रहा है, पर इसकी रियलिटी जांचना जरूरी था। अभी 9:17 हो रहे हैं और मेरठ सिटी का अराइवल टाइम है 9:22। देखते हैं कि ये ट्रेन टेस्ट पास कर पाती है या नहीं। और अब हमारी ट्रेन पहुंच जाती है मेरठ सिटी स्टेशन। तो ये है मेरठ सिटी स्टेशन और टाइम है 9:20। क्या बात है, ट्रेन तो बिफोर टाइम चल रही है। तो ये सफर हमारा खाते पीते सोते हंसते हंसाते निकल गया। और अब हम पहुँच गए थे दिल्ली स्टेशन के बहुत नजदीक, लेकिन पता नहीं ट्रेन को क्या हो गया था। ट्रेन कभी आउटर पे तो कभी स्टेशन पर रुक जा रही थी और अब ट्रेन लेट होने लगी थी। मैं भी बोर होने लगी थी। आखिरकार हम नई दिल्ली स्टेशन पहुँचे। ट्रेन का अराइवल टाइम 11:05 है, मगर ट्रेन पहुँची 11:51 पर, यानी कि हमारी ट्रेन लगभग 45 मिनट लेट थी। अब फाइनली मैं हूँ दिल्ली में और मेरी दिल्ली की कहानी शुरू होगी अब। तो क्या आप भी देखेंगे दिल्ली मेरे साथ? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। मैं हूँ गौरी, आपके अपने चैनल टंकी फुल से, और यहाँ देखिए मेरा भारत मेरी नजर से।